दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले ने जहां आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त उत्साह भर दिया है, वहीं सीबीआई पर की गई जस्टिस भुइयां की टिप्पणी ने तोता और मैना के खेल की ओर इशारा किया है। साथ ही सबके सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा गया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए। सीबीआई यह धारणा बदले कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, बेल पर जस्टिस भुइयां ने तो सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। जी हां, यह सवाल उन्होंने किसी और बात पर नहीं बल्कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाया है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। सीबीआई पिंजरे में बंद तोता वाले छवि बदले। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ बेल दी है। शर्तें कुछ यूं हैं कि केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। सरकारी फाइलों पर साइन नहीं करेंगे। साथ ही केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में गजब का उत्साह है। 156 दिन के बाद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को लेकर इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और देखते रहिए प्रकाश टीवी।